भाई, ये भाई दे रहा है मुनव्वर भाई को पूरी टक्कर। भाई की हालत खराब हो गई थी सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने में चार, और ये आदमी है, आदमी भाई तो वैसी डेयरिंग कर रहा है जैसे ना बंदा बिना सीट की साइकिल पे बैठ गया। भाई ने जीते जी अपने चार कंधों का इंतजाम कर लिया है, हो सकता आगे ना हो पाए लेकिन ये चारों मां तो पहुंचा ही देंगे कम से कम। भाई यही एक रीजन है कि अपने आ जाना लॉन्डे जो है वो कुबारे रह जा रहे हैं। भाई जब एक ही आदमी चार चार ले जाएगा तो बाकी क्या करेंगे, क्या ही करेंगे, यही करेंगे जो करते हैं। भाई चैनल की फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा प्यार दें। मैंने बीएड कर रखी है इसलिए मैं जवाब काट रही हूं। और मैंने भी बीएड कर रखी है जो हम इसका साथ दे रहे हैं। और हमने बीकॉम कर रखी जो हम तेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं चूतिया हूँ जो मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा हूँ। गजब बेइज्जती। भाई ये देख के ना मेरे अंदर से मेरी गर्लफ्रेंड की रेस्पेक्ट खत्म हो गई। वो भी मुझसे यही कह रही थी कि मैं बीएड कर रही हूँ और काफी टाइम से मेरी भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा ना मैं कहीं जा रहा हूँ वो भी खेत में लगी वो काटने में। मुझे मतलब बुरा इतना ही नहीं लगेगा कि अगर वो खेत में काट रही होगी, बुरा तो लगेगा जब पता लगे वो कहीं किसी और का काट रही। पागल लोग कैसे होते हैं? तो आपने पूछा क्यों मुझे? पागल लोग कैसे होते हैं? भाई मुनव्वर भाई के साथ रह रखे के भाई भी छोटा मोटा रोस्टर तो बने। पागल लोग कैसे होते हैं? भाई अगर आयशा ने ना पुराना सीजन देखा होता तो उनको पता होता भाई कि अगर एक बार बेइज्जती हो जाती है दोबारा वहाँ नहीं जाना, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोबारा ही बेइज्जती कर देते। एक बार बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा खूबसूरत होते हैं आप। भाई अब जाके मुझे समझ में आया कि मुनव्वर भाई हर शो में जीत क्यों जाता है। भाई सब लोग फोकस करते हैं गेम जीतने पे, मुनव्वर भाई अपना फोकस कर रहा है लड़की पर। अब जो पट गई तो वो पट गई, जो बच गई वो घर गई। भाई भी जब घर से निकला है ना, जिस भी शो में से निकला है, लड़की के साथ नहीं निकला है, भाई निकला है ट्रॉफी के साथ। मुनव्वर भाई का सिंपल सा कहना है मिले गए जो छोरा छोरी वही मस्ती थोड़ी थोड़ी। मुंबई में सबसे टॉप क्लास घर अंबानी के बाद विक्की भैया का है। भाई मुझे मिल गया जवाब इस बात, अंकिता जी विक्की भाई से क्यों पटे? भाई बंदे का दिल ही छोटा होगा, घर बहुत बड़ा है भाई के पास। मुंबई में सबसे टॉप क्लास घर अंबानी के बाद विक्की भैया का है। चल झूठा, वो अलग बात है भाई, उसी घर में एक सासू माँ भी है। एक में हम बोलने फिर आप बोलने, वो भी एक ऐसी सासू माँ जो हर बहू कहती है उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव। भाई ऐसी चिराने पैदा कहाँ हो रही है? और रही बात देव की, यार देव क्या तुमसे ना दाना भी डरेगा, आदमी चलती फिरती मौत हो तो मौत। बस इतना एहसान कर देना भाई कहीं भी जाना दिल्ली मत जाना। बहुत तड़पोगे पति ऐसा ढूंढो कि चार लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। दीदी ये नहीं मानूंगा, ये किसी की दुआओं का असर है, ये आपको किसी ने बद्दुआ दी है वो भी भर भर के दी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के 125 करोड़ जो देशवासी है ना वो भी एक ही बात पूछ रहे हैं, कौन से आशिक ने ये बद्दुआ मारी है कि बहन कितने सोमवार किए थे। सावन के सोमवार के व्रत आपने रखे हैं, दद्दू ने रखे हैं, किस्मत तो अगले आधी चमक गई। माँ बाप पे जाती है बदतमीज टीचर, गधी एक नंबर बदतमीज। भाई अभिषेक नाम के लोगों को मुझे लगता है कि कुछ लोग ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। अब इस वाले सीजन में सेम चीज अभिषेक भाई के साथ हो रही है, इसको देखो वो उंगली करने चले आ रहा है। आगे आगे लोगे तेरे पे अपने बॉयफ्रेंड। भाई ये वाला अभिषेक ना थोड़ा सा अलग, वो सह गया था, ये वाला कान भी दे देता है। अभी ऐसे फिर उसके बाद भाई अभिषेक भाई को बाहर निकाल दिया क्या? आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। 2 hours later तेरा बाप आया। अंकिता जी ने इज्जत छोड़ी कहाँ पे है जो मुनव्वर भाई उतार देते हैं। लात दी दूंगी चला जा। लात घूसी और चप्पल से जो इज्जत की जो पोटली थी उसको फोड़ डाला है, और जो थोड़ी बहुत कहीं कोने कोने में अगर रह गई है तो अंकिता जी का सीधा सिद्धांत है अगले शो में जाएंगे पूरी की पूरी उतार के बाहर। जय माता दी। इतनी सारी वीडियो देख रखी है मैंने यूट्यूब पे कि सलमान भाई के आगे कोई अभिषेक जीत नहीं सकता, जो जीतने वाला था वो तो जीत ही चुका है। यहां के हम सिकंदर। अगर गलती से सलमान भाई ने ये वाली वीडियो देख ली इसके बाद अभिषेक की जीतने की बात छोड़ दो, अभिषेक नाम के जो पर्सन है ना वो शो में भी नहीं जा पाएंगे। मिल मेरे को कई बार। ये भगवान क्या जुलुम है भाई, पूरा सदमे में समझ नहीं आ रहा भाई को डांस है कि भूत भूत तो नहीं आ गया। भाई एक बात तो पक्की है, भाई को यहाँ पे भांग सुंघाई खड़ा किया गया है, क्योंकि बिना नशे के ऐसी चिरान झेलना उसके लिए नहीं नामुमकिन है। पर हाँ मलंग तक तो ठीक है भाई, पलंग पे मत बैठना।